हर इंसान अपनी जिंदगी में एक बार ये चीज महसूस जरूर करता है कि भाई उसके घर में कोई ना कोई तो है, कोई बुरी आत्मा, अच्छी आत्मा या फिर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी। और ये ज्यादातर हो ही जाता है जब इंसान अकेले रहता है। फिर भी मैं आपको बताने वाला हूँ आज कुछ ऐसे लक्षण जिनसे हम जान पाएंगे कि हमारे घर के अंदर कोई भूत तो नहीं है, कोई आत्मा तो नहीं है, किसी तरीके की कोई नकारात्मक ऊर्जा तो नहीं है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा आपके घर की घड़ी की। देखिए, अगर आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा होगी, कोई भूत प्रेत का साया होगा, तो आपके घर की घड़ी कभी भी सही समय आपको नहीं बताएगी, यानी कि खराब ही रहेगी। आप सोचते रहेंगे कि भाई ये तो खराब हो गई, सेल खराब हो गए, चलो नहीं लेके आते, इसके भी सेल खराब हो गए। अगर ये चीजें आपके साथ बार बार हो रही है तो मैं आपको बता दूं आपके घर में किसी आत्मा का साया है। दूसरी चीज, देखिए, जो तितलियां हैं वो जनरली घर के अंदर नहीं घूमती हैं, घर के अंदर नहीं आती हैं। लेकिन आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके घर की बालकनी में आपके घर के अंदर तितलियां आकर रहने लगी हैं, तितलियों का झुंड आपको दिखाई देने लगे, तो मान के चलिए ये भी नकारात्मक ऊर्जा का ही एक लक्षण है। अगर आप अपने घर में कुत्ता रखते हैं, बिल्ली रखते हैं, कोई भी जानवर रखते हैं, तो आपको बता दूं आपको उनके व्यवहार में, आपको उनकी दिनचर्या में बहुत बदलाव नजर आने लगेगा। जो आपके घर का कुत्ता होगा वो कभी भी भौंक रहा होगा, क्योंकि वो चीजें देख पाता है जो हम नहीं देख पाते। हर तरीके से कुत्ते और जो बिल्ली की इंद्रियां हैं वो हमसे ज्यादा स्ट्रोंग है, ताकतवर है, तो उन्हें पता चलेगा लेकिन हमें नहीं पता चलेगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई जो आपका डॉग है रात को बहुत परेशान रहता है, घर के अंदर ही गोल गोल घूमता रहता है, तो मान के चलिए आपके अलावा कोई और भी है घर में जो उसके साथ रात को खेल रहा है। दोस्तों, और जितनी भी ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, भूत कह ले, प्रेत आत्माएं कह ले, इनका बहुत जल्दी इफेक्ट दिखने लग जाता है घर के इलेक्ट्रॉनिक आइटम के साथ। आपका टीवी है, कंप्यूटर है, घर की लाइट्स हैं, हर एक चीज़ पे आपको फ़र्क दिखने लग जाएगा। आपके टीवी पर बहुत फ़र्क दिखाई देगा। देखिए, आपने बहुत सारी मूवीज़ में भी देखा होगा कि भाई जब आत्माएं आती हैं तो कभी टीवी बंद होता है, कभी चलने लग जाता है, जो आपका सिस्टम है कंप्यूटर, मतलब कि जितनी भी चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम से जुड़ी हैं, वो थोड़ा सा ना ऑफ ऑन करने लगती हैं। तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं किताबों के अंदर। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपने टीवी ऑन किया और किसी ने ऑफ, और या आपने ऑफ किया किसी ने ऑन, तो भाई बाहर भग जाओ, तभी की तभी, अंदर मत रुको। बाकी अगर आप जानना चाहते हैं कि घर में आत्माएं आए, भूत आए, प्रेत आए, तो उनका इलाज कैसे किया जाए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर 1000 लाइक का टारगेट रखते हैं इस वीडियो के ऊपर, अगर 1000 लाइक्स आ जाते हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो भी बनाई जाएगी। तो घर के अंदर भूत बाधा से कैसे लड़ा जाए, अगली जो चीज आती है वो है आपकी परछाई। लेकिन जब घर के अंदर भूत होंगे, कोई प्रेत होगा, तो आपको आपकी परछाई पूरी दिखाई नहीं देगी, उसकी शेप आपको चेंज होती हुई नजर आएगी। कभी तो आप लगेंगे कि यार इतना मोटा मैं कैसे हो सकता हूँ, कभी लगेंगे यार इतनी दुबली परछाई तो मेरी नहीं हो सकती। अगर आप इन सब चीजों को फेस कर रहे हैं तो मान के चलिए आपके घर में भूत बाधा है। और आखिरी में एक चीज जो मैं आप सबको बता दूं, अगर आपके पास कभी धुले हुए कपड़े नहीं रहते, आपके कपड़े हमेशा बाहर बिखरे हुए रहते हैं, तो भी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है। अगर इन सब के बावजूद भी अगर आपको कुछ अलग सा महसूस हो रहा है अपने घर के अंदर, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं इंस्टाग्राम लिंक डाल दे रहा हूँ, जहां से आप सीधा वार्तालाप कर सकते हैं हमारे साथ। बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो, कोई काम की चीज आज आपने सीखी हो, तो यार लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं करते हैं, तो भाई हमसे ज्यादा नुकसान आपका हो सकता है। बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगली वीडियो कुछ ऐसी होने वाली है जो आपके परिवार की सुरक्षा के काम आएगी, आपके काम आएगी। मिलता हूँ कल, तब तक आप सभी को अलविदा, जय श्री राम।